क्योंकि अब इंडिया को देखा जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है। क्या पाकिस्तान के लिए इसमें कितने प्रोस्पेक्ट्स हैं और कितना पोटेंशियल मौजूद है? आपके पास तो इसकी स्टेटिस्टिक्स होंगी जनाब राणा साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में मदद करने का, और मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मैं इस हवाले से बात कर सकूं। सर, पाकिस्तान में बिल्कुल पोटेंशियल, अगर ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो वो ज़ाहिर बहुत ज्यादा है। हमारी बहुत ज्यादा तादाद जो है वो 25 साल से कम उम्र बच्चों की है, जो कि लड़के लड़कियां हैं और यंग एज है, जो कि जिनमें बहुत पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, अगर उन्हें सही मौके दिए जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर, पाकिस्तान की जो स्पेंडिंग्स हैं वो कहीं नजर नहीं आती इस विजन की तरफ। अगर हम देखें तो साउथ कोरिया, जो कि निस्बतन छोटा मुल्क भी है और टेक्नोलॉजी में आगे इंडिया से कह लें कि पीछे है कई चीजों में, लेकिन स्टिल वो 4% जो है अपना जीडीपी का स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और भी सभी चीजों में। लेकिन पाकिस्तान की क्या परसेंटेज है? 0.16%, हाँ जी, यानी 4% कि ऑफ जीडीपी तो बड़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। जी तो सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। पाकिस्तान की तो पता नहीं और एजुकेशन में आप जाके शायद इतनी हुई है, इतनी अभी अभी इतनी भी नहीं हुई शायद। नहीं सर, एजुकेशन भी अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन में भी इतनी नहीं है। हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है साइंस का, साइंस के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो टोटल 0.16% है, यानी ओहो, 1% भी बहुत दूर की बात है। यानी एक से तो जो आधा इस होता है उससे भी, आधे से भी आधा, बल्कि उससे भी जी आधा। बिल्कुल ऐसा ही है सर, जी बिल्कुल सर। और सर, अभी पिछले दिनों मैं मतलब एक बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर की, वहां पे मैं देख रहा था कि एक AI लैब बन रही है, लेकिन अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो उस पर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, और ना उनके पास फंडिंग है। कई और तरह के खराजात आ जाते हैं जो कि रिश्ते में हायल होते हैं। तो एक तो गवर्नमेंट फंडिंग ना होना, दूसरा जो हमारा जो सर सरमायादार तबका है वो भी नहीं, वो मॉर्टर एंड ब्रिक का जो फॉर्मूला है ना, उसको तो समझ सकता है कि हमने बिल्डिंग खड़ी कर ली, हमने जी जी प्लॉट ले जी लिए, हमने रियल एस्टेट की मार्केट डेवलप कर ली, मे बी कुछ गाड़ियां सेल परचेज कर ली, लेकिन सर उनको ये समझ देने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट भी ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड कर रही कि इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो अच्छी ROI आ सकती है, हम अगले 3 से 5 सालों में बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे कि अमेरिका, इंडिया और भी कई तरह के ऐसे मुल्कों ने स्टार्टअप्स क्रिएट किए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स बने जहां पे लोग आके बातचीत करते हैं। वो एक कहते हैं मेडिची इफेक्ट, जिसका ये मतलब है कि मल्टीपल तरह के मल्टीपल इंडस्ट्री से लोग आके एक दूसरे से बातचीत करें। जी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर कुछ कहीं बनते हैं तो कुछ अरसे बाद वो गायब हो जाते हैं।